हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकी। क्या आप जानते हैं बिना मिट्टी की खेती करने की टेक्निक, जिसे हम आज हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं, ये कोई न्यू जनरेशन टेक्निक नहीं है। इनफैक्ट पानी में पौधे उगाने की टेक्निक तो काफ़ी सालों से, इनफैक्ट कई सदियों से काम में ली जा रही है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन पौधे पहले समुद्रों, ओशन, लेक्स, यहीं पर ग्रो किए जाते थे। ये तो इवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पौधे पानी से धरती पर यानी कि मिट्टी में उगाए जाने लगे। तो पानी में पौधे उगाना कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स एज ए टेक्निक इवॉल्व हुई, विकसित हुई, क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स रहे, क्या प्रॉब्लम्स आए। और ये वीडियो हमारे बिगनर्स गाइड टू हाइड्रोपोनिक्स का फर्स्ट पार्ट है। इस कोर्स के दौरान हम आपको हाइड्रोपोनिक्स की हिस्ट्री से लेकर उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और इनफैक्ट एक सिस्टम को कैसे बिल्ड करते हैं, ये सब बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करने से पहले हम आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना मिट्टी के ही खेती करी जाती है। न्यूट्रिशन देने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रॉप को जिस भी तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रोथ के किस स्टेज पे किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन पानी में मिला दिया जाता है और पानी के थ्रू ही क्रॉप्स तक पहुँचता है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब बेबीलोनियंस ने 600 BC में पहली बार पानी में पौधे उगाए। इस बात को साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए वैसे कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनियंस इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें पानी के जरिए ही न्यूट्रिशन रूट तक पहुंच पाता था और उससे पौधे ग्रो हो पाते थे। इस बात को साइंटिफिकली वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जॉन वुडवर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने स्पेयरमिंट यानी कि एक तरह का पुदीना उगाया। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात ये थी कि पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने किसी भी तरह की मिट्टी या मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ पानी में ही ये क्रॉप उगाई। तो पहली बार ये साबित हो पाया कि वाकई में पानी में क्रॉप्स उग सकती हैं। 17th और 18th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जब लोग पानी में क्रॉप्स उगा पा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि वो सब सिर्फ लीफीज ही उगा पा रहे थे, यानी कि पत्तेदार सब्जियां। तो सिर्फ पत्तेदार सब्जियों से तो काम नहीं चलेगा। फिर आई बात 20th सेंचुरी में, जब एक साइंटिस्ट विलियम फ्रेडरिक गेरिक ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक हाइड्रोपोनिक्स का ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें टमाटर उग पाया। हाँ, उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जिसमें फ्रूटिंग वेजीज यानी कि जिन सब्जियों की जड़ें लंबी होती हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। उन्होंने ही दुनिया को हाइड्रोपोनिक्स नाम की एक टर्म दी। अगर हम इस हाइड्रोपोनिक्स टर्म को अच्छे से समझें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, हाइड्रो यानी कि पानी और पोनोस यानी कि लेबर यानी किसी भी तरह का काम करना। जब ये दोनों टर्म्स एक साथ मिल जाती हैं तो बनता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जब पानी इस तरह का काम करे जिससे क्रॉप्स ग्रो कर पाए, इसी टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कहते हैं। और इसके बाद से तो हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल होता ही चला गया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ ताकि अंदर ही अंदर वो अपना खाना प्रोड्यूस कर सके। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट 1960s में हुआ जब एक साइंटिस्ट एलन कूपर ने न्यूट्रन फिल्म टेक्निक नाम से एक प्रोसेस इन्वेंट किया। इस टेक्निक में उन्होंने ये किया कि छोटे छोटे चैनल्स या पाइप्स में क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं और उस टेक्निक के दौरान पूरे समय रूट्स पर हर समय न्यूट्रिशन की एक थिन लेयर बहती रहती है, जिस वजह से रूट्स को हर समय न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आया कि कम से कम जगह में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती थी। उसके बाद अगर आज की बात करें, 21st सेंचुरी में ये टेक्निक इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि इस टेक्निक में सेंसर्स लग गए हैं, पंप्स लग गए हैं, पंप्स टाइमिंग के बेसिस पे ऑपरेट किए जाते हैं। तो इस टेक्निक ने 600 BC से लेकर आज तक काफ़ी इवोल्यूशन किया है और ये टेक्निक और ज़्यादा इवॉल्व करती जाएगी। जो टेक्निक एक समय पर सिर्फ एक लैब तक सीमित थी, उस टेक्निक की मदद से आज बड़े बड़े फार्म्स ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि हाइड्रोपोनिक्स जो शायद एक न्यू जनरेशन टेक्निक लगती है, इनफैक्ट ये टेक्निक काफ़ी सालों से चली आ रही है।
और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस टेक्निक के क्या क्या मेजर एडवांटेजेस हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद ईकी। बाय।